और चंबा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार बहुमत में भी गिर चुकी है और नजरों में भी गिर चुकी है। हम बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं है तो वो कहते हैं कि जयराम का गणित खराब है। मैं कहता हूं कि मुझसे ज्यादा आपका गणित खराब है। जब 43 विधायक होने के बाद आप राज्यसभा सीट हार गए तो बहुमत कहां रह गया। आपको बता दें कि कल ही हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर और बीजेपी पर गणित जयराम ठाकुर के गणित पर सवाल उठाए थे। अब जयराम ठाकुर की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से उन पर पलटवार किया गया है कि सरकार तोड़ने का एक प्रयास हुआ, हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का एक प्रयास हुआ। कुछ लोग रात के अंधेरे में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट से जो है सत्ता हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने साजिश रची हमारी सरकार के खिलाफ। आज भी आप सुन रहे होंगे लगातार वो बात कह रहे हैं कि 4 जून को हमारी सरकार होगी। वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार चंद दिनों की मेहमान है, आपसे वोट हासिल करने के लिए इसलिए एक धारणा देना चाह रहे हैं लगातार कि कुछ दिनों के बाद और MLA टूटने वाले हैं। और एक बात जब हम पूछते हैं, जब हम बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार तो है ही नहीं, अब हमारे को बोलते हैं कि जयराम का गणित खराब है, उसका मैथमेटिक्स खराब है। मैंने कहा मेरा मैथमेटिक्स खराब है लेकिन मेरे से ज्यादा तो आपका खराब है। मुझे सीधी सी बात एक बात बताइए, जब आप 43 विधायक होने के बावजूद राज्यसभा की सीट हार गए तो बहुमत कहां रह गया आपके पास। जब विधानसभा में बजट पारित करने के लिए बीजेपी के हमारे 15 विधायकों को सस्पेंड करके विधानसभा से बाहर फेंक दिया गया तो बजट कहां, आपके पास बहुमत कहां रह गया। भाइयों और बहनों, यह सरकार बहुमत में भी गिर चुकी है और यह सरकार नजरों में भी गिर चुकी है। ये मैं आज कहना चाहता हूं, ये हकीकत है, ये सही बात है। वो माने तो ना माने लेकिन ये हकीकत है आज की दौर में।